नमस्कार मित्रों, शैली जी पर एकाग्र इस श्रृंखला में, इसकी तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। अर्पण जी, आपको भी बहुत धन्यवाद इस तरह की श्रृंखला करने के लिए। और अभी तक हम लोग दो बहुत सुंदर व्याख्यान इसमें सुन चुके हैं। कमल नयन जी का और अंबिका दत्त जी का, और जिन आप में से जिनने इसे सुना वे उनके दर्शन पर सुनकर उसे बहुत रस उन्हें प्राप्त हुआ होगा। हाँ अर्पण जी, ये आवाज ठीक है? अच्छा, तो ये माफ कीजिए, कुछ तकनीकी गड़बड़ियाँ साउंड को लेकर हैं, शायद अब ठीक हो गई होंगी। मैं पंखा थोड़ा कम कर सकते हैं। मैं यहीं से एक संस्मरणात्मक तौर पर ही शैली जी के बारे में कुछ कह सकती हूँ, वही कहने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वे हमारे बहुत ही आत्मीय थे, घर में सभी लोगों के, और बहुत आना जाना रहा और कई तरह का संवाद उनसे जुड़ा रहा। चिट्ठी पत्री एक ऐसा संवाद है जो कि आपके पास रहता है और उड़ नहीं जाता, सिर्फ स्मृति में नहीं रहता, उसका दस्तावेज भी रहता है। तो मैंने ये कोशिश की है कि उसी के आधार पर ज़्यादातर अपनी इस संवाद की कुछ वानगी दूँ, जिससे उनके व्यक्तित्व की झलक कुछ आप तक पहुँच सके। तो इस लिखे हुए के आधार पर ही मैं बोलूँगी। इसका शीर्षक है कवि हृदय दार्शनिक यशदेव शैल्य। शैल्य जी जब पहली बार भोपाल आए, तब भी उनके बारे में पिताजी से यानी रमेश जी से पर्याप्त सुन चुके थे। पूछा शैल्य जी को कैसे पहचानेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, उन्हें पहचानना बहुत आसान है। जिस व्यक्ति को देखकर लगे कि एक फूंक में उड़ जाएंगे, समझ लेना वही शैल्य जी हैं। उस समय उनका यह परिचय विचित्र अवश्य लगा था, लेकिन उस परिचय ने एक विशाल सी गोष्ठी में शैल्य जी को पहचानने में एकदम कुतुबनुमा का काम दिया। फिर इसके आसपास ही हम उनके फुर्ती से अंजीर के पेड़ पर चढ़कर अंजीर तोड़ लाने के किस्से भी सुन चुके थे। उन दिनों मैं संस्कृत पढ़ती थी और शैल्य जी मेरे मन में एक नए नए सीखे संस्कृत शब्द शाखा मृग की छवि में ढल गए थे, और इसी से शायद वे कुछ आत्मीय भी हो गए थे, मित्रवत। दार्शनिक शब्द के साथ शैल्य जी का तादात्म्य मेरे मन में तब तक ठीक बैठा नहीं था, क्योंकि इसके पहले कभी किसी दार्शनिक से मुलाकात ही नहीं हुई थी। दर्शन पढ़ने पढ़ाने वालों से ये नितांत ही भिन्न थे, और भारत में दार्शनिक अब भी होते हैं ऐसा आम तौर पर किसी से सुनने में नहीं आया था। दर्शन में जो हो चुका, लिखा जा चुका, उसी को पढ़ने पढ़ाने का चलन था, या ऐसा मेरा ज्ञान था। और ख़ास तौर पर भारत में तो सदियों से कुछ नया मौलिक हुआ ही नहीं, ऐसा ही भाव सर्वत्र देखने मिलता था। ऐसे में कोई दार्शनिक है, यह बात ठीक से मस्तिष्क में प्रवेश न कर पाए तो क्या आश्चर्य। उसके बाद याद है शैल्य जी का आना, भारत भवन के न्योते पर आए थे। कानों में विद्वत जनों की बातें पड़ी हुई थी कि शैल्य जी का दर्शन कठिन है, और मन में यह भाव था कि सुनने जा तो रहे हैं किंतु शायद ही कुछ समझ में आए। यह उत्सुकता का कारण भी था कि आखिर ऐसा क्या वे बोलेंगे जो हमारी समझ के बाहर रहेगा, क्योंकि आमतौर पर शैल्य जी की बातें हमारी समझ में आया करती थी। उस शाम भी ऐसा ही हुआ। अचरज कि उनकी बात न केवल समझ में आई
बल्कि मन मस्तिष्क में उससे कई अयाचित द्वार भी खुले। उसमें एक बात का चमत्कार तो अब तक याद है। उन्होंने भाषा और अनुभव की बात करते हुए पूछा था कि मिठास में सेब की मिठास कैसे केले की मिठास और जामुन की मिठास से अलग है और इसे भाषा में कैसे कहा जा सकता है। पूरा लेख समझने बूझने की हमसे तब अपेक्षा न होने से शायद हम पूरे लेख को समझने या उसके गहरे अभिप्रायों में गोता लगाने से सहज ही मुक्त थे, किंतु कुछ प्रश्न हमेशा बने रहते थे। लेकिन स्वयं का दर्शन या साहित्य में किसी तरह का कोई दखल न रखना ऐसे विद्वानों के जमघट में प्रश्न पूछने को अनधिकार चेष्टा ही बनाकर रखता था। स्वयं मुझे दर्शन सदा कला साहित्य से अलग क्षेत्र नहीं लगा, बल्कि उस भूमि की तरह ही लगा जिस पर सभी ज्ञान के रूप अपना आधार पाते हैं। वही उसे एक तरह से सबका बना देता है, एक दार्शनिक आधार जो सभी ज्ञान रूपों के लिए जरूरी है। जैसा गोविंद चंद पांडे कहते हैं, उनकी एक पुस्तक है समसामयिक भारतीय संस्कृति, विटगेंस्टाइन का कहना था कि दार्शनिक मीमांसा से दर्शन के पंडित सामान्य जनता से अधिक ज्ञानी नहीं बन जाते, वे भाषा के दुरुपयोग से एक भ्रामक जाल बुनते हैं। इस प्रकार का भाव भारतीय परंपरा में बहुत पुराना है, वे कहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता तत्व ज्ञान के लिए पंडितों और शास्त्रियों के पास न जाकर ज्ञानी महात्माओं के पास जाती है। साधना के सभी प्रकार सच्चे ज्ञान के आधार माने जाते हैं और इस दृष्टि से अनपढ़ भगत, पंडित और प्राचार्य सभी समान रूप से साधक हो सकते हैं। ये पांडे जी का कथन है। शल्य जी का मेरे जीवन में आगमन भी एक अलादीनी चिराग की तरह हुआ था, जिनसे इन संगोष्ठियों के बाहर कैसा भी तत्व प्रश्न पूछा जा सकता हो। यह एक इतनी अद्भुत बात थी जिसके बारे में न तो किसी अन्य से कुछ कहा जा सकता था, ना इसकी कोई ज़रूरत ही थी। उनसे चिट्ठी पत्री का सिलसिला कब आरंभ हो गया पता नहीं चला। उनकी पहली चिट्ठी मेरे पास 1994 की है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मुझे भी तुम्हारे पास आना और रहना बहुत अच्छा लगता है, इस तरह और कहीं भी मैं जाकर नहीं रहा। ऐसा दोनों ओर से भाव तादात्म्य या भाव सामंजस्य होने पर होता है। शल्य जी से पहले निर्मल वर्मा और अशोक सेक्सरिया जैसी विभूतियों से संवाद सूत्र जुड़ चुकने से इतना पता था कि ऐसे लोगों के साथ संवाद सोच समझ कर ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि अपनी आप जाने वे स्वयं उसे वैसी ही गंभीरता से लेते हैं जैसे अपने चिंतन लेखन कर्म को। उनका संवाद भले ही हम जैसे युवा न जानुओं से हो, उनके अपने रचना कर्म से जुड़ा हुआ ही चलता है। सो उनसे संवाद में आप महज स्वयं ही नहीं बल्कि एक तरह से अपनी पीढ़ी के भी प्रतिनिधि हो जाते हैं। यूं आप कभी भी उनके जीवन में प्रकट और अप्रकट होने को स्वतंत्र नहीं रह जाते। तब मेरी साहित्य के मैदान में उतरने की कोई योजना नहीं थी, किंतु पत्र लेखन तब भी मेरे लिए एक गंभीर सृजन कर्म था, लगभग साहित्य की एक विधा सा। और फिर जब ऐसे सुनने वाले दूसरे सिरे पर हों तो जीवन से और क्या चाहिए हो सकता है। बहरहाल, हर दुर्लभ अनुभव जीवन में अक्सर किसी अन्य अनुभव की कीमत पर ही प्राप्त होता है, और ऐसे विरल प्रबुद्ध जादूगर जनों की संगत अपवाद कैसे हो सकती है। बहुत बाद में जाकर समझ में आया कि इस तरह के संवाद संबंधों के आग्रह के बाद अपने समवयस्कों में एक सहज आत्मीय गहरे संवाद की आकांक्षा लेकर लौटना कितना दुरूह हो जाता है। वहाँ इसके अभाव को झेलना उत्तरोत्तर अकेला करता जाता है। कुल मिलाकर शल्य जी सरीखों की संगत में जो बिगड़ना हुआ उसका बखान ही क्या। मेरी फिल्म सबद निरंतर में देवास के कबीर भजनीक गिरधारी लाल गाते हैं, गंगा के संग सरिता बिगड़ी, संतन के संग कबीरा बिगड़ा। बिगड़ा क्यों मैं पूछती हूँ, गिरधारी लाल कहते हैं, अब बिगड़ना तो है ही, संतों की उल्टी भाषा है, संत ऐसे ही बोलते हैं। अब देखिए, अभी हम और आप जो सत्संगत कर रहे हैं
इससे अगर आपके जीवन में कोई बदलाव हुआ, सुधार हुआ, तो बिगड़ना ही हुआ ना। व्यक्ति फिर संसार के काम का नहीं रह जाता। उनका मतलब था उलट बांसी से मेरा पहला सीधा साक्षात्कार। शैल्य जी को मैंने अपनी मालवा में भक्ति काव्य के अनुभूंज की अभूतपूर्व शोध यात्राओं से लौटकर काशी माँ, गिरधारी लाल, नारायण नाथ आदि के बारे में विस्तार से बतलाया था। प्रकारांतर से फिर फिल्म भी दिखलाई थी। उन्होंने सुखद अचरज से भरकर कहा था, यह स्त्री तो वेदांत बोल रही है। फिर उनके साथ कबीर और भक्ति को लेकर चर्चाएं होती रहीं। धीरे धीरे मुझ पर यह मर्म भी खुला कि जहां एक ओर शल्य जी सरीखे सहज दार्शनिकों के साथ अंतरंग संवाद और स्नेह सौहार्द ने मेरी अपने समवयस्कों से दूरी बढ़ाई, वहीं दूसरी ओर उसने भारत या कि संसार के समग्र सरल साधारण समाज के साथ जैसे एक अद्भुत चिरंतन सूत्र भी जोड़ दिया। इस सर्वथा चमत्कारिक लोक में व्याप्त काव्य और दर्शन में अपने सहज किंतु गहन प्रवेश के पीछे शैल्य जी, दया जी, मुकुंद जी, विद्यानिवास जी जैसे मनीषियों के विचार, लेखन और उनकी सहज उपस्थिति का बड़ा योग है। या कहिए यही वे कंधे हैं जिन पर बैठकर हम इतनी दूर तक देख पाते हैं जितनी दूर तक देखना एक पीढ़ी के बस का नहीं होता। शैल्य जी सहज दार्शनिक थे। जैसा उन्होंने हमारे साथ एक बातचीत में भी कहा था, उनकी प्रवृत्ति कुछ शुरू से ही इस तरफ रही, दार्शनिक जिज्ञासा। शायद उसके चलते ही कविता और कला की मर्मज्ञता भी उन्हें सहज उपलब्ध थी। मुझे शैल्य जी की बात समझ में आती थी। स्वयं मौखिक परंपरा से अपना स्रोत जोड़ते हुए मैंने यूं विधिवत उनका दर्शन पढ़ने की कोशिश कभी नहीं की, अभी तक नहीं की, किंतु जितना उनसे सीधा जाना बूझा इस जन्म के दिशा बोध के लिए पर्याप्त लगा। जैसे मैं सबद निरंतर की भजनीक काशी माँ की तरह वैसे और उतना ही वेदांत जानकर प्रसन्न थी जितना और जैसा लोकाचार, व्यवहार, गीत, नृत्य, कथा, इतिहास, स्मृति, मिथकों में मेरे पास छन कर आया था। शैल्य जी ने 1996 के एक पत्र में मुझे और शंपा को इकट्ठे लिखा है, यो मैं भोपाल आता हूँ तो तुम्हारे साथ कुछ अधिक बात नहीं हो पाती है। वैसे बात तो किसी की भी किसी के साथ बहुत कम ही कभी होती है। जीव अपने खोलों में बंद रहते हैं। यह बात तो तभी हो पाती है जब भाषा अपनी गागर से मौन का अपार सागर उड़ेल पाती है। शायद आप अब तक समझ ही गए होंगे कि शैल्य जी की बात मुझे किस नाते समझ आती है। शैल्य जी कवि हृदय दार्शनिक हैं। उनसे मिलने से पूर्व मुझे पता नहीं था कि ऐसा कोई शब्द प्रयोग संभव है। बहुत संभव है कि उनकी सहज उपस्थिति ने ही मुझे यह भाषा भी सुलभ करवाई हो। शायद इसीलिए अकादमिकों के निकट वे कठिन और उनका विचार लेखन दुरूह ही रहा आया है और हमारे जैसों के लिए वे लगभग एक अनिवार्य जीवन दृष्टि और भावन की शर्त बन गए। मैंने अपना प्रथम कविता संग्रह भी इन्हीं कवि हृदय दार्शनिक को समर्पित किया था, और क्यों ना हो। सबसे पहले अपनी लिखी कविताएं अपने घर में भी शैल्य जी की उपस्थिति में ही सुनाई थी। तब तक ज्योत्सना जी को छोड़ किसी को मेरे कविता लिखने की आशंका नहीं थी। जाने कैसे शैल्य जी शुरू से ही मेरे निकट काव्य के मर्म से जुड़ गए हैं। उस समर्पण में कबीर का एक पद भी जुड़ा था, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। कबीर हमारे बीच का अहम सूत्र रहा। मेरी बहुत बहुत प्यारी रानी बेटी, वह ऐसे ही संबोधन लिखते थे, एक गंभीर दार्शनिक के ठीक विपरीत। कल तेरा कविता संग्रह परछाई की खिड़की से मिला। बड़े बड़ों से भी कहीं बड़ी अपनी इस छोटी सी बच्ची की इन अद्भुत कविताओं की भेंट पाने का पात्र होकर जो गर्व मुझे अनुभव हो रहा है वह पहले किसी और भेंट से नहीं हुआ। पहले क्रमशः दया जी, रमेश जी, अंबिका दत्त और मुकुंद जी ने भी मुझे अपनी पुस्तकों के समर्पण का पात्र समझा, किंतु तेरे इस समर्पण के पीछे जो भाव है
वह सबसे कितना भिन्न और गहरा है यह मैं जानता हूँ। इस भाव का मैं पात्र हो सका पता नहीं तेरी किस भ्रांति के कारण। इससे बड़े गर्व की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। मैं इसके योग्य हो सकूं, ईश्वर से यह मेरी प्रार्थना है। ऐसे ही थे शल्य जी, ऐसे गुरुजन जिनके शिष्यत्व के लिए न केवल कोई गंडा ताबीज नहीं बंधवाना होता, बल्कि यदि कोई पूर्व के ताबीज हों तो उन्हें खोल कर ही उनके पास आना होता है। मैंने उनसे क्या पाया सीखा उसका बखान यहाँ संभव नहीं। इतना भर कहा जा सकता है कि वे ऐसे गुरु हैं जिनकी सहृदय उपस्थिति में आप स्वयं को गढ़ते हैं। फिर असली बात जो है वह है ही इतनी गहरी कि यूं भी सीधे सीधे शब्दों में कहीं भी कहा जा सकती है। वह असली बात या तो शल्य जी सरी का सहज दार्शनिक ही समझता है, या कबीर जैसे संत कवि, या फिर मेरी फिल्म की शोध यात्राओं में मिले सरल मन पथिक अकिंचन तीर्थयात्री, भिक्षुक, विधवा स्त्री या थके हारे खेतिहर। एक पत्र में वे लिखते हैं, तुम लोग कैसे हो, ज्योत्सना जी कैसी हैं? ज्योत्सना जी का तो कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। तुम लोग अच्छे हो तो वो अच्छी हैं, तुम लोग अच्छे नहीं हो तो वो भी अच्छी नहीं है। यूं सबका अच्छा बुरा होना परवश ही होता है। जब यह अपने वश हो जाए तब समझो हम दुखों से मुक्त हो गए, पर वह तो संबोधि में ही हो सकता है। उनका सहज कठिन फलसफा भी संत मन और सरल जन दोनों को बोधगम्य है, ऐसा मुझे लगता है। शल्य जी जैसा गुरु मिलना सौभाग्य है। दर्शन के विद्यार्थियों के लिए वे कैसा वरदान हो सकते थे इसकी कल्पना मुझे है। इसके बावजूद यदि जयपुर विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में उन्हें ले आने का द्राविड़ प्राणायाम प्राय असफल रहा तो उसमें विशेष अचरज नहीं है। आमतौर पर हमारे देश में ज्ञान विज्ञान कला काव्य में मौलिक सृजन शिक्षा के अकादमिक दायरों के बाहर ही संभव हो पाता है। अकादमियों में प्रवेश के लिए ज्ञान चिंतन सृजनशीलता से अधिक प्रमाण पत्रों और पदवियों को मान्यता प्राप्त है, बल्कि कहें मौलिकता अधिकांशतः कार्य वहन में बाधक ही अधिक होती है, या कहें मौलिकता की प्रथा नहीं होती। शल्य जी अपने एक पत्र के आरंभ में लिखते हैं, प्रथा है कि पत्र का आरंभ इस आशा के साथ किया जाता है कि वह सुखी और स्वस्थ होगा, पर इस लोक में यह सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी चमड़ी मोटी हो, जिन्हें जगत गति नहीं व्यापे। पर तब भी हम अपने प्रियजनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना तो यही करते हैं कि उनके लिए वह यह असंभव बात किसी तरह संभव कर दे। आगे वो लिख रहे हैं, संसार का सबसे सुंदर रहस्य व्यक्ति चेतनाओं का परस्पर के प्रति अनुराग है। मानो वे अस्तित्व के स्तर पर भेद को समाप्त कर देना चाहती हूँ। स्वार्थ स्पर्धा वैमनस्य ये सब तो स्वाभाविक ही हैं, हमारे सारे जैव इतिहास का उत्तराधिकार। यूं प्रेम भी जीव में कम से कम थोड़े विकसित स्तर पर सहज है, किंतु उसका आयतन वहां कुछ संकुचित होता है। मनुष्य में उसका आयतन बहुत बड़ा होता है, यद्यपि दुर्लभ होता है। अधिकांश में वह स्वार्थ और स्पर्धा से ही परिचालित रहता है। अपने देश में पति पत्नी के संबंधों का स्थायित्व अधिकांशतः इसलिए है क्योंकि उनका अलग होना अधिक असुविधा का कारण होता है, नहीं तो उनमें कोई वैसा प्रेम नहीं होता। हाँ, थोड़े भले होते हैं तो एक दूसरे के कष्ट में सहायता करते हैं। सद्गुण उदारता आदि वैसे प्रेरक नहीं होते जितने स्पर्धा मत्सर द्वेष आदि। पंजाब में तो पड़दादा के अपमान का बदला पड़पोता लेता था। मजे की बात है कि बदला देने की ऐसी उत्तरोत्तर परंपरा नहीं थी।
एक दार्शनिक भाषा का व्यवहार जिस सजगता के साथ करता है, उस पर ध्यान देने मात्र से कितने रहस्य उद्घाटित होते हैं। यह चमत्कार तो उनके साथ के हर संवाद में घटित होता है। इस सहज सजगता के पीछे किंतु अक्सर एक सुदीर्घ साधना का ताप होता है, जिसकी आँच में तपकर ही व्यक्ति वैसा तेजस्वी हो पाता है जो वह है, अपने स्वरूप में स्थित। और उनके साथ आप भी कुछ देर को उनके रंग में रंग जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं। एक पत्र, तेरी कहानियां डाक से अभी 1 घंटा पहले शाम के 4 बजे मिली और मैंने वे तुरंत पढ़ डाली। ये कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगी। नहीं, ये कहानियां बहुत अच्छी हैं। अद्भुत, इनमें एक ऐसी गहरी अंतर्व्यथा और बेचैनी झलकती है जिसका कोई कूल किनारा नहीं है, और उसकी अभिव्यक्ति बहुत समर्थ हुई है। तेरी कविताएं भी ऐसी ही हैं, उसी हृदय की और उसी लेखक की। शायद तू बहुत अधिक नहीं लिख पाए एक साहित्य जीवी की तरह, किंतु तेरा यह थोड़ा लिखा भी तुझे ढेरों कविता कहानियां लिखने वालों के ऊपर प्रतिष्ठित करेगा। बहुत सुंदर। इसे हम शल्य जी का प्रेम कह सकते हैं, किंतु ऐसा मानना सही नहीं होगा। हाँ, प्रेम का भरोसा ऐसे अपूर्व संबंध का आधार जरूर माना जा सकता है, जहाँ खड़े होकर वह फिर कभी किसी और दिन मेरी किसी आरंभिक फिल्म को देखकर उसे यूं ही प्रश्नांकित भी कर सकते हैं कि इतनी कल्पनाशील लड़की की फिल्म में कोई कल्पनाशीलता नहीं दिखी। शैली जी का यह प्रश्न मैं समझती हूँ, और इसका भी मेरे निकट उतना ही मूल्य है जितना उनकी सराहना का। एक दफ़ा उनसे फ़ोन पर बात हुई थी। मैंने पूछा था उनसे प्रेम के अनुभव के बारे में कि कविता, फिल्म, गीतों आदि में प्रेम की अवधारणा का हमारे पास पहले आना क्या उसके अनुभव अद्वितीय में बाधक नहीं होता, या क्या इसी से वह शब्दातीत नहीं हो जाता। निर्मल जी कहते हैं कुछ भी शब्दातीत नहीं है, आप कहते हैं कुछ शब्दातीत है, क्या सच है? लंबी बातचीत हुई थी। एक चीज याद है जो उन्होंने कही थी, अगर उसके पीछे का अनुभव न हो तो शब्द कुछ कन्वे नहीं कर सकते। मसलन यदि मैं कहूँ कि मन टूट गया, तो सुनने वाले को मन की टूटन बिखरन का अनुभव यदि नहीं है तो शब्द उसमें कोई भाव नहीं जगा पाएंगे। यूं भी शब्द उसकी तरफ इशारा भर कर सकते हैं, और प्रेम तो अनुभव की चीज़ है। जिन दो लोगों के बीच है, उनके अलावा उस अनुभव में तीसरे का प्रवेश नहीं है, और हर प्रेम अद्वितीय। इसमें क्या अचरज कि शल्य जी की तालिका में दार्शनिक से कुछ ऊपर ही कवि ठहरता है। उन्होंने कवि को प्रेम का दार्शनिक कहा है, और कवि का इससे सुंदर अभिज्ञान परिचय नाम मैंने दूसरा नहीं सुना। अनुभव अद्वितीय को भाषातीत कहने वाला दार्शनिक ही भाषा से 250 शब्दों में यह भी कहलवा सकता है। अब इस पर आप सोचते रहें कि यह प्रेम का दार्शनिक होना होता क्या है, और खोजें इसी सवाल में उसकी पड़ताल भी छिपी है। शैली जी कहते थे कि वे लिखते हुए ही सोच पाते हैं, यूं बैठकर सोच नहीं पाते। उनके लिए लिखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वह सोचने की प्रक्रिया है। यह बात मैंने उन्हीं से इस तरह सबसे पहले सुनी थी और बड़ी चौंकाने वाली लगी थी, और बाद में कई बार पाया कि ये कितना सच है। एक पत्र में वे लिखते हैं, इस एक जीवन में कितने लोग मिले और छूट गए। कभी वे इतने आत्मीय थे कि उनसे अलग अपने को सोचा भी नहीं जा सकता था, किंतु अब उनका ध्यान भी नहीं आता। बल्कि यदि उनसे मिलने के लिए थोड़ा चल कर जाना पड़ता है तो हम सोचते हैं कि छोड़ो, कौन जाए। प्रेम के लिए लोग अक्सर कहते हैं कि वह निरपेक्ष और अमर होता है, किंतु यह पूरी तरह ठीक नहीं है।
समय स्वभाव में परिवर्तन आदि उसे समाप्त कर देते हैं। मेरे इस लंबे जीवन में कितने ही प्रेमों की मृत्यु हो गई और नयों ने जन्म लिया, पर उस प्रेम के संबंध में जो आप पर इस समय छाया हुआ है, जिससे आपका हृदय आलोड़ित है, आप यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि यह कल नहीं रहेगा। खैर, ये स्मृतियाँ जीवन को बहुत लंबा, युगों के इतिहास जैसा बना देती हैं। कैसी अद्भुत बात है। अन्य कई बातों की तरह एक दार्शनिक मन का आलोक, जिसमें समय के साथ परत दर परत अर्थ खुलते ही चले जाते हैं, अभी भी खुल रहे हैं। विचार चिर युवा चिर नवीन रहता है, बरसों के आर पार गुंजरित जीवन के हर दुख सुख का सहृदय। शैली जी अक्सर कहते थे, ईश्वर ने इतने दुख कष्ट का जंजाल शायद फैलाया ही इसीलिए है कि मनुष्य सत्य को इतनी आसानी से न पा सके। मुझे याद है, शंपा के एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट के बाद उन्होंने फ़ोन पर कहा था, समझ नहीं आ रहा कि शंपा को गिराने के लिए ईश्वर को कोसूं या उसे बचाने के लिए उसे धन्यवाद। दर्शन की व्युत्पत्ति तो देखने से ही है, अपने देखने को देखना और देखते रहना जीवन के हर पल में। और शैली जी के साथ ये चीज किसी भी संवाद में जो भी याद आता है, वो ऐसा कुछ होता था जो हमेशा बिल्कुल ही एक नई बात की तरह आता था, और इसमें बहुत संभव था कि वो अपनी कही हुई बात को ही रिवाइज कर रहे हैं। आपकी बात को सुनना, ऐसा लगना कि सामने वाला व्यक्ति आपकी पूरी बात सुन रहा है, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, और खासतौर से उम्र के इतने बड़े अंतराल के साथ, जहाँ उन्हें बहुत संभव है यह हमेशा ही लगता रहे कि ये कैसे ये बात इनको समझाई जा सकती, कैसे ये कहा जा सकता है। तो लेकिन सामने वाले व्यक्ति पर यह भरोसा रख के, जिस तरह से वो अलग अलग मौक़ों पर जो चीज़ें कहा करते थे, उससे उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही पारदर्शी किस्म से हमारे पास आता है, रह जाता है, और उससे उनके दर्शन, उनके जीवन, उनके सब कुछ के कोई फाँक नहीं रहती। मेरे जाने वे अकेले व्यक्ति थे जो ऐसी ही किसी 28 जून के विवाह के न्योते के जवाब में यह लिख सके। हवन फेरे भीड़ लंगर, यह सभी तो विवाह उत्सव है ना, और फिर यह सब जिस बात के लिए होता है वह भी कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है। मनुष्य को जीवन की जिस बात से सबसे अधिक विरक्ति होनी चाहिए और इसमें भव सागर दिखाई देना चाहिए, वह यह विवाह ही तो है। इसलिए तुम्हें मुझे लिखकर इसमें आने से रोकना चाहिए। नहीं, हमारे घर में भी शादियों का सिलसिला शुरू होगा 2-4 साल बाद। सोचता हूँ उस समय संन्यास लेकर कहीं निकल जाऊँ, जैसे जाट सावन भादों की उमस से बचने के लिए संन्यासी हो जाते हैं। शादी वादी हो जाए तब तुम दोनों मेरे पास आशीर्वाद लेने आओ कि इस घटना के बाद तुम इसके घटित होने की बात को भूलकर सुख और सौहार्द से रह सको। नहीं, हम गए थे उनका आशीर्वाद लेने, कुछ दिन रहे भी थे उनके साथ, अविस्मरणीय दिन, कालातीत, और बातें इतनी कि जैसे किसी को और कोई काम ही न हो। अर्घ्य को तो उन्होंने बहादुर की पदवी दे रखी थी, कैमरा तब हमारे साथ ही चलता था, उसने भी अपना काम किया। अगर आप में से किसी की रुचि हो तो
यूट्यूब पर उसका एक संकलन मैंने अभी कुछ समय पहले किया था। उस बातचीत का बड़ा कठिन था उसे एडिट करना, लेकिन मैंने किया है तो आपको देख सुन सकते हैं वहाँ पर। शल्य जी से हमारी बातचीत है, उनके दर्शन, उनके विचार, उनके अनुभव, हमारे बहुत ही अनगढ़ से प्रश्न और जिज्ञासाएँ इत्यादि। उनके सहज व्यक्तित्व की एक झलक भर हमें वहाँ मिलती है। पूरे को समेटना तो कहाँ संभव हो पाता है। जैसे वे कहते थे, हर बार मिलकर भी मिलना कहाँ हो पाता है। एक पत्र में लिखते हैं, तेरी कहानी तेरे पत्र के साथ। वास्तव में तेरे पत्र की प्रतीक्षा तेरी कहानी से भी अधिक थी। एक अकूत विरह जो किसी का नहीं है पर तब भी निरंतर मन में बना रहता है। कुछ एक के पत्रों की प्रतीक्षा करवाता है, जिनमें एक तू है, रमेश जी हैं, ज्योत्सना जी हैं, किंतु वह इस गह्वर के जैसा है जिसका खालीपन किसी पत्र से या किसी बात से, जैसे किसी के मिलने से भी जरा भी कम नहीं होता। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से पूरा ही ले लेने पर भी वह पूरा ही बचा रहता है। ऐसे ही यह गह्वर भी अतल, जिसको पूरा भी भर दें तो भी पूरा ही खाली बचा रहेगा। तेरा पत्र मिला, पढ़ा, अच्छा लगा, और फिर वही, अब अगले पत्र की प्रतीक्षा। शल्य जी से संवाद अक्सर मेरे निकट अपने से संवाद बन जाता रहा है। इसी से शायद यह भी संभव हो पाया कि वह अब भी जारी है, एक अनिर्वचनीय निरंतरता में। वे अब नहीं हैं और हैं भी। एक पत्र में वे लिखते हैं, देह की यह अनिवार्य गति भी कमाल का सत्य है। वार्धक्य और मृत्यु, वार्धक्य शायद इसीलिए आता है कि आदमी मृत्यु की इच्छा करे बजाय उससे डरने के। मेरे मन में अक्सर गुरु नानक के एक पद की एक पंक्ति अनुगुंजित होती रहती है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। विधाता की भूमि पर खड़े होकर देखें तो क्या अंतर पड़ता है कि हम सुखी हैं या दुखी, जीवित हैं या मर गए। गीता में कृष्ण जो अपना विराट रूप दिखाते हैं उसका यही अर्थ है। यह सब क्या क्या लिख गया, क्या गजब हो जाए यदि सांस अभी रुक जाए और यह सब झंझट समाप्त हो जाए। दोस्तों, अर्पण जी और ईश्वर दोस्त ने यहाँ शल्य जी को याद करने को जो जमघट एकत्र किया है, उसमें सबके अपने अपने शल्यों को जानने समझने का अवसर जो यह है, ये किसी उत्सव से कम नहीं है। अपने शल्य जी को आपके साथ साझा करके अच्छा लगा। शायद वे भी कहीं से सुन रहे होंगे और अपना सिर धुन रहे होंगे कि यह जो तू मेरा गुणगान कर रही है इसका अर्थ यही है कि मैं तुझे धोखा देने में बहुत सफल रहा हूं। अंत में मैं उनको समर्पित कविता संग्रह में से एक कविता सुनाऊंगी जो मैंने उनके उन्हीं पर लिखी थी और ये याद नहीं है कि उन्हें कभी बताया नहीं, बताया या नहीं। उसे ही मैं इस सत्र का समापन करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है, वे कहते भाषा न होती तो भाषा की लाचारी न होती, भाषा न होती तो भाषा की लाचारी न होती, न शब्द अधूरे न अर्थ बंधे हुए, कहना सुनना तो फिर भी होता, जीवन हो सकता है कुछ और हुआ होता। होना तो तय है वे कहते, पर क्या, ये हो जाने पर ही कहते
कि बहुत से हो सकने में वही होता जो हुआ, उसी को होना था। हो चुकने पर अजीब लगता कहना कि यही होना था, कि यही होनी थी। कोई नहीं मानता यदि वे कहते कि यही तय है होना, जो हुआ जो होता है अंततः, इसीलिए वे कुछ नहीं कहते। धन्यवाद मित्रों, ये इतना कुछ ही मैं कहना चाहती हूँ उनके बारे में, और आगे बहुत और बहुत सारे सत्र हैं जिनकी तरफ मैं बहुत उत्सुकता से उनका इंतज़ार कर रही हूँ सुनने के लिए। सभी के अपने अपने शैली।